नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है और आप इस समय देख रहे हैं कि यहाँ पर महामंत्री जो वरिष्ठ नागरिक है हाथों में पट्टिका लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और हम आपको बता दें, ये पेंशनर हैं और ये पेंशनर किन मांगों को लेकर आज जो सड़कों पर उतरे हैं ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ पेंशनर और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण हुआ कि जिसके कारण आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? हम पिछले जो है 3 महीने से सरकार को बार बार प्रतिवेदन दे रहे विधानसभा सेशन से लेकर, परंतु सरकार हमें जो वार्ता के लिए नहीं बुला रही, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आपको सरकार से क्या मुद्दा है? हमारी जो 1499 की पेंशन जो बीजेपी सरकार ने दी थी 29/10/99 को नोटिफिकेशन किया था, उसके तहत पेंशन लगी थी जो 2004 में उस समय की सरकार ने रीअपील कर दी थी। उसके लिए जो है हम यहाँ लागू करने के लिए जो है यहाँ द्वारा एजिशन कर रहे हैं। सरकार का क्या कहना है? जैसे सरकार कह रही है कि हमारे जहन में है, बार बार बुला नहीं रही सरकार। ठीक है जी, हम बार बार सरकार से आग्रह करे पिछले 3 महीने से, ठीक है जी, सरकार हमारे को बुला नहीं रही। मंत्री नड्डा जी, अनुराग जी, धूमल जी, सबको हम मिल चुके हैं। बीजेपी के जितने विधायक हैं, जितने भी मंत्री संतरी है, हमने सबको इनको बोला है 3 महीने। मैं तो जयराम जी को आपके माध्यम से बोलता है, ये मुद्दा लपक लो, नहीं तो कांग्रेस ने ओपीएस का कल कर दिया, सेंक्शन कर दिया कि हम देंगे। इससे पहले अगर आप देते, हम विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, इसमें हम चाहते कि भी इकट्ठे होके हम आपके साथ भी हो सकते हैं अगर हमारा ये मुद्दा फैसला हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन और आप देख रहे हैं इनका साफ तौर पे कहना, एक अधिसूचना जारी की गई थी 1999 में, एक अधिसूचना जारी की गई थी वहीं पर। अब देखते हैं कि क्या कहना है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज सैकड़ों की संख्या में ये यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले समय में 1999 में धूमल सरकार ने हमारे को 3 करोड़ लीज करवाए, ठीक है जी, और हमारे भी 6700 कर्मचारी इसमें रह गए, जिसमें 1700-1800 कर्मचारी को जो है पेंशन का लाभ मिल रहा है। 2004 में वीरभद्र जी को कुछ ब्यूरोक्रेट ने ब्लफ करके उनको जो है ये एक पेंशन जो हमारी विड्रॉ करवा दी। 2007 में भाजपा का घोषणा पत्र आया, उसमें उन्होंने लिखा कि बोर्ड और कॉरपोरेशन को हम पेंशन देंगे। 2017 में भी उन्होंने यही बोला अपने संकल्प पत्र में, जिसमें कि चेयरमैन हमारे स्थानीय वो जो आजकल वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये इसके चेयरमैन थे, ठीक है जी, और आज तक इन्होंने ये अपना संकल्प पत्र लागू नहीं किया है। इसलिए हम चाहते कि जयराम जी को आपके माध्यम से ये मुद्दा है लपक लो, ये जो ये बुजुर्ग लोग आए हैं 60 साल से सारे ऊपर है, हमारे को कुछ नहीं मिला। ये ओपीएस से जो जोड़ रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट इनको कुछ ओपीएस से बोल रहे कि ओपीएस ही हमारा मसला नहीं है, ये हमारा पेंशन ऑलरेडी दे चुके हैं 1700 लोगों को, दे चुके 6700 लोग हमारे उस वक्त के आंकड़े के मुताबिक, लेकिन उसमें से मर भी गए मेरा ख्याल कोई 5000 के लगभग होंगे। हम बोलते कि दे दो, ये मत देखो कि जितने लोग यहाँ है, ठीक है जी, और हम ये चाहते कि भाई कम से कम इसको, इस मुद्दे को आप, हमने कोई भी नहीं छोड़ा, हमने धूमल जी ने चिट्ठी लिखी, अनुराग जी को हमने पकड़ा, नड्डा जी को हमने पकड़ा, मंत्री जितने भी है सारे बोले कि हमने सब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा दी है। लेकिन अफसोस ये है कि क्या जयराम जी हमारी इतने वो है कि इनको सुनाई नहीं देता। अब हम ये नहीं बोलना चाहते कि भाई चलो, हम तो ये बोलते कि भाई ले लो, नहीं तो कांग्रेस ने कल कर दिया है अनाउंस ओपीएस हम देंगे तो ओपीएस देंगे, लेकिन ओपीएस से हमारा मुद्दा कुछ अलग है। आपका बोर्ड और जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज है, उनके जो रिटायरीज है, आपके लिए जो ये पेंशन की जो सुविधा है वो दी जाए? हाँ जी, जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज के जो आप रिटायरीज है, आपके लिए ये सुविधा दी जा रही है पेंशन? बिल्कुल मिलनी चाहिए, दी हुई है 99 से मिली हुई, 1700 लोग इसको ले रहे, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। आप 2004 के बाद के लोग? 2004 के बाद तो विड्रॉ कर चुके हैं, हम रेगुलर हो चुके हैं पहले ही, लेकिन नहीं मिल रहे। हम बोलते कि इस माध्यम से हम चाहते हैं कि भाई कम से कम इतने लोग रिटायर, हम तो सारे सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है जी, हम तो बारंबार बोले कि दे दो जयराम जी, दे दो, फायदे में रहेंगे हम, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। सर, कितने लोग ऐसे हैं जो 2000 पहले से इसका बेनिफिट मिलना था और रह गए और सरकार इसमें? सर, इसमें कम से कम 6700 लोग उस वक्त रह गए,
1700 लोगों को पेंशन मिल चुकी है, लेकिन हम ये बोलते कि भाई जो लोग रह चुके 1700 उस वक्त का आंकड़ा है, लेकिन आज अब तो मर गए। अभी कुछ क्यों हुआ कि 1700 को मिल गई 1700 को नहीं? वही हमारी लड़ाई है। ये सरकार आज का स्थानीय जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारा इनसे यही लड़ाई है कि जब आपने 99 में दी, 2007 में आपने घोषणा पत्र में किया और 2017 में आपने अपने संकल्प पत्र, अभी आप जो संकल्प पत्र निकालेंगे और कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। ये जो बिगड़, हम चाहते शांतिपूर्वक तरीके से चाहते हैं, हमारी चीज हमारे अंदर वो तो रहे ही नहीं कि हम कोई नारे लगाएंगे, किसी को मसल पौध खाएंगे। जयराम जी आप जाग जाओ, इनकी इन ब्यूरोक्रेट की मत सुनो, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। जैसा राजा वीरभद्र सिंह को 2004 में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिस्टर वाल्दी ने हमारे को बेवकूफ बनाया, हाईकोर्ट से हमारे को हमारे फेवर में हुआ था ये केस, और उन्होंने जो है राजा साहब को ब्लफ करके बोला कि हजार करोड़ का वो होगा, क्या नाम इसमें कहते हैं, हमारा पड़ेगा बेनिफिट पर एनम खर्चा, जबकि इतना खर्चा नहीं था। हम तो बोलते जयराम जी को आप इनको बिठाइए, उसी वाल्दी को लाओ सामने लाओ, हम जवाब देंगे उसको। वो बिठाए तो सही ना सामने, वो क्यों नहीं बैठ रहा है ना आजकल? हम ये बोलते हैं, अरे भाई पेंशन हमने 35 साल अपना जो हमारी प्राइम लाइफ थी, हमने पेंशन, हमें आप पेंशन नहीं दे रहे। एक MP बनता, कोई चेयरमैन बनता, कोई MLA बनता, उनको आप पेंशन दे रहे हैं? ये कहाँ का रूल है भाई? तुमने कौन सी सरकारी नौकरी की? हम तो भाई इंटरव्यू आए हुए हैं, तुम्हारी तरह कोई ऐसे नहीं है कि चल दूसरे घर से आगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही करूँ, आप ये देखिए इतना हजूम जो है, ये खतरे की घंटी है। सर आज आप मजबूरन सड़कों पर उतर गए हैं, मजबूरन काफी समय से आप मांग कर रहे थे। हाँ, आपकी अभी तक मांग पूरी नहीं हुई, और अभी भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, अभी भी 3 महीने से हम बिल्कुल लगातार इनके संपर्क में है, गवर्नमेंट के बीजेपी के। हम नहीं बोलते किसी कांग्रेसी को पकड़ा, किसी आम तो अभी है ही नहीं, आम तो कहीं भी ये नहीं है इस वक्त प्रदेश में। हम ये बोलते हैं अगर जयराम जी आज शाम तक हमारे को कोई रिस्पांस देते हैं, नहीं देते हैं, कल से हम घराव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारे क्या, अगस्त 15 अगस्त को शायद ऐसा सुना जयराम जी शायद अनाउंस कर देंगे, नहीं करेंगे, इनका आना जाना हम बंद कर देंगे, गांव में आने के लिए बंद, रास्ते बंद कर देंगे। हम मजबूर है, अभी चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, नगर निगम चुनाव भी है, तो आप क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव का या क्या? हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम नगर निगम चुनाव में गली गली इनके पीछे चलेंगे, पीछे से हम इनको बोल लोगों को बोलेंगे इनको वोट मत दो, ये झूठ बोलते, संकल्प पत्र 2017 में निकाला, झूठ क्यों बोलते हैं? अभी बोलेंगे फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे जैसे लाल पे देते ही है। अरे जयराम जी मत सुनो, अपनी करो है, अगर कुछ नहीं तो राजा वीरभद्र सिंह तो सुनो, जाते जाते राजा वीरभद्र भी करते, जब लास्ट ईयर होता है सरकार को उनका, उनको पता है कि भी अगली सरकार मेरी आए तब भी देखेंगे, नहीं आएगी तो ले मरा गले में डाल दो और किसी के, अरे डाल दे सरकार तो वैसे भी आपकी आती है बहुत अच्छा, नहीं आती है तो इन दूसरे के गले में डाल दो, खुद करेंगे। इन्होंने तो कल भी बोल दिया OPS हम देंगे, OPS में उससे हमारा मुद्दा जो है लेता है। ये है आप लोगों से, जरा मीडिया वाले आप करो कुछ, जगाओ इनको, जाग नहीं रहे। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 1999 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन बात की जाए उस समय की जो तत्कालीन सरकार है 2004 की, तो उनके द्वारा ये अधिसूचना वापस ले ली गई थी, और वहीं पर फिर भाजपा सरकार आई, उन्होंने कहा था कि जो इनकी पेंशन है वो बहाल की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके ये काफी मर्तबा सरकार से भी मिल चुके हैं और केंद्रीय मंत्री तक से ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक इनकी मांगे नहीं सुनी है, और मजबूरन आज आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में ये सड़कों पर उतरे, और साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये मंत्रियों का घेराव करने से भी नहीं चुकेंगे, और वहीं पर जिस तरह से चुनाव आने वाले समय में है तो चुनावों में ये अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाएंगे, और लोगों को इस बात से अवगत करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं आज इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जो इनकी पेंशन का हक है वो उन्हें प्रदान किया जाए। यदि आप चाहें कि कर्मचारी सड़कों पे नौकरी, ये बूढ़े लोग सड़कों में नौकरी, हमारी बहनें सड़कों पे नौकरी, कहाँ हमारा कुटुंब, आज हमारे कहाँ कहाँ निकाल रहे हैं, कोई चीज नहीं दे रहे हैं, बूढ़े क्या करेंगे, बात करेंगे आप?
और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में आज ये सड़कों पर उतरे हैं मजबूरन, जिस तरह से इनका साफ तौर पर कहना है कि मजबूर इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो दर्शकों, पेंशनर्स ने साफ तौर पर कह दिया और ऐलान कर दिया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि जल्द से जल्द जो उनकी पेंशन है अधिसूचना 1999 की उसे बहाल किया जाए और जो सरकार ने उनके साथ वादा किया था उसे वो पूरा करें, अन्यथा इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में ये मंत्रियों का घेराव करेंगे और बात की जाए जो आने वाले नगर निगम और विधानसभा चुनाव हैं तो अपनी आवाज़ को ये जन जन तक पहुँचाएंगे। दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।